मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं द वी थ्री चैनल। और आज हम लोग जानने वाले हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के लिए ट्रैक। मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ उत्तराखंड, बिल्कुल खजियार जैसा है, बस साइज में थोड़ा छोटा है। पहुंच गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस। यहाँ से ट्रैक है थोड़ा सा, इस साइड पे बहुत अच्छा व्यू है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि खजियार आ गए हों। ट्रैक है हमारा 500 मीटर के करीब है। ये हम पहुंच गए हैं जॉर्ज एवरेस्ट हाउस से। नीचे कुछ ये स्पॉट बना रखा है। वैसे तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए गाड़ी का भी रास्ता बनाया है, बट वो अभी स्टार्ट नहीं किया है। अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है अभी भी रेनोवेशन का, जैसे कि कुछ शॉप्स हैं ये भी ओपन नहीं हुई हैं। और ये है सामने जॉर्ज एवरेस्ट पीक। यहाँ नीचे से कुछ अराउंड 15 से 20 मिनट का ट्रैक है। और ये है व्यू जो जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, मतलब ऊपर से तो और ज़्यादा अच्छा दिखता होगा। अभी हवा चल रही है तो शायद मेरी आवाज़ क्लियर नहीं होगी। ये यहाँ का नेचुरल व्यू, जहाँ देखो वहाँ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं और सामने बर्फ, कहीं तो बर्फ गिरी हुई है। यहाँ पे ये अभी कुछ नया बन रहा है, यहाँ से शायद व्यू देखने के लिए ये व्यू पॉइंट बनाया हुआ है यहाँ से। अरे वाह, यहाँ से पीक पॉइंट भी दिख रहा है। और सामने ये जो है ये अभी रेनोवेट हो रहा है, इसको म्यूजियम बना रहे हैं। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस यही था, इसको भी रेनोवेट करके पूरा दोबारा से नया बनाया जा रहा है, होपफुली जल्दी बन जाएगा। और सामने ये है पीक पॉइंट और यहाँ से दिखता है नज़ारा। ये लो, नदी जा रही है, एक वही चमक रही है। फ्लैग्स सामने, और ये गेस्ट हाउस या जो भी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं ये बन रहे हैं, क्योंकि इस एरिया को भी शायद अभी और ज़्यादा कमर्शलाइज करेंगे। देख लिया है जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, अब चलते हैं नीचे, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा। इतना ट्रैक कर करके ना हालत टाइट हो गई है। व्यू बहुत अच्छा है यहाँ का मेरे पीछे, पूरा हरा भरा, हरियाली से भरा। पंचल ट्रैकर, पंचल पंचल की तैयारियां चल रही हैं, पापा के जैसे बनेगा ये। चलो होली होली चढ़ो। ट्रैकर पंचुल पापा के कदमों पे चल रहा है ये। पंचुल
हम दोनों चलेंगे ट्रैकिंग पे, चलेगा? हाँ। थोड़ा सा और बड़ा हो जा, ठीक है? हाँ। फिर तो मेरे कंधे की जगह अपने पाँव पे चलेगा बेटा। ना बेटा, पापा पहले अपनी टॉप स्पीड पे चल रहे हैं, इससे ज्यादा हम नहीं चल सकते, हमारा इंजन हमें अलाउ नहीं कर रहा है। चल वंशल, ये उसके बाजू खिंच रही है यार।